सीधे लिए चलते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देवेंद्र फडणवीस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की जो बैठक संपन्न हुई, इस बैठक का समापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही प्रेरक उद्बोधन से हुआ और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें, तभी हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम ये बॉर्डर विलेजेस में हो, बॉर्डर विलेजेस के साथ हमारा संपर्क ज़्यादा बने, उनका मेन स्ट्रीमिंग ये हम लोग कर पाए और वहाँ पर हमारी एक्टिविटी बढ़े, ताकि हमारा संपर्क सूत्र भी वहाँ बने और हमारी विकास की योजनाएं भी बॉर्डर विलेजेस तक पहुँचे। उसी प्रकार से आकांक्षी जिलों के विकास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका हो, जहाँ पर हम लोग अगर माल न्यूट्रिशन से लड़ाई कर रहे हैं तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने ओर से वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कार्य चलाए कि जहाँ से न्यूट्रिशन मिशन को एक मदद हो। आकांक्षी जिलों में जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य गति से हो, इस पर हम लोग ध्यान दें, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है इसकी ओर हम ध्यान दें, ये बात भी उन्होंने हम सभी को बताई है। इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्प को दोहराते हुए हमारे सारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करें, एक दूसरे के भाषा को, कल्चर को हम किस प्रकार से अपनाएं, किस प्रकार से उसके साथ हम लोग एक भावनात्मक रूप से जुड़े, इसके भी कार्यक्रम हो। जिस प्रकार से काशी में तमिल संगमम हुआ, उसी प्रकार से हम लोग अलग अलग भाषाओं को साथ में लेकर इस भारत को
एक भारत के रूप में कैसे तैयार करें, ये भी बात उन्होंने हम सबके सामने रखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से विशेष रूप से जेंडर डिस्पैरिटी को दूर करने का प्रयास किया और जिस प्रकार से उस बेटी को बचाने की कोशिश की जो बेटी समाज की कुरीतियों के कारण गर्भ में ही मारी जा रही थी, उन्होंने कहा इसी प्रकार से आज हमारी धरती माता की पुकार को भी हमें सुनना है। जिस प्रकार से हम लोग केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का अनन्वित उपयोग करते हुए हमारी धरती माता को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज इस प्रदूषण के कारण क्लाइमेट चेंज की विभीषिकाओं से, जलवायु परिवर्तन की विभीषिकाओं से हमें जूझना पड़ रहा है, हमको धरती माता की पुकार सुननी होगी और धरती माता की इस पुकार को सुनते हुए चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या एनर्जी ट्रांजिशन हो, इन सारे विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और इसमें हम किसानों को किस प्रकार से प्रेरित कर पाए, किस प्रकार से उनको मदद कर पाए, इसको एक मिशन के रूप में हम कैसे ले पाए ताकि जलवायु परिवर्तन में और उसके खेती किसानी पर होने वाले परिणाम और उससे धरती माता पर होने वाले परिणाम, इसको हम कैसे दूर करें, इसके ऊपर भी हम लोग कार्य करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि विशेष रूप से हम लोग 18 से 25 इस आयु की जो हमारी तरुणाई है, इस तरुणाई ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि भारत में पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार देखा गया, किस प्रकार का कुशासन था और कहां भारतीय जनता, कहां भारत आज चलते हुए आया है और किस प्रकार से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। इसलिए 18 से 25 इस आयु के जो हमारे युवा है, इनमें भी जागृति तैयार करना, इनको भी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करना और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम सुशासन की ओर आए हैं ये बताकर उनको सुशासन के साथ जोड़ना और सुशासन का महत्व क्या है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीज़ें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीज़ें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोरी राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से
अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ध्यान दे। एक और चीज़, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के हम सभी को बताई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बड़े पैमाने पर सदस्यता होती है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ सभी का चयन होता है, लेकिन हम लोग इन सदस्यों का सम्मेलन नहीं करते। और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये सूचना की है कि जो हमारे प्राथमिक सदस्य है, जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स है, ये प्राइमरी मेंबर्स का भी हम लोग एक सम्मेलन करें, हर डिस्ट्रिक्ट में वो सम्मेलन करें और उसकी भी रचना आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी करेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का भाषण ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं था, किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और मेरा विश्वास है कि जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और इन सारे संकल्पों को पूरा करेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है, और भारतीय जनता पार्टी को संकल्प भी करना है और भारत के लिए इतिहास भी रचना है। कोई सवाल हो? न्यूज 24 से गौरव। सर, लगभग एक घंटे का जैसा कि आपने बताया उनका भाषण था, 9 राज्यों में चुनाव है, फिर अगले साल सेमीफाइनल है, इसको लेकर कुछ उन्होंने कहा चुनाव की तैयारियों में जुड़ने के लिए? देखिए, सब लोगों को यही लगता था कि चूंकि सामने चुनाव है तो ये भाषण चुनाव का होगा, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये राजनेता का भाषण नहीं था, ये स्टेट्समैन का भाषण था। और इसलिए चुनाव को लेकर कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने भाषण में नहीं कही। हाँ, ये ज़रूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए और हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी पहुँचे ये प्रयास कीजिए। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, बोलिए। कार्यकारिणी की बैठक हुई, बैठक में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जो आपने कहा कि स्टेट्समैन की तरह उन्होंने बात कही, संगठन को लेकर के क्या कुछ उन्होंने बातें कही? क्योंकि जिस तरीके से आगे चुनाव है और तमाम सारी चुनौती है उसको लेकर। देखिए, ये पूरी बातें संगठन के लिए ही थी। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने संगठन को देश के विकास के इस अमृत काल में जोड़े, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत एक ऐसी बात कही है कि ऐसा काल जो अभी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये शायद अगर हम लोग इस काल को अगर हमारे विकास यात्रा में परिवर्तित नहीं कर पाए तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत इस अमृत काल को विकास काल में परिवर्तित करने में लगाए। स्मृति काक, रामचंद्रन, हिंदुस्तान टाइम्स। सर, पिछली बार पीएम ने बोला था कि देयर शुड बी एन आउटरीच टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज अमंग द मुस्लिम्स। उसका कोई रिव्यू हुआ कि वो कितना हो पाया है, और डू यू गेट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ डायरेक्टिव दिस टाइम आल्सो? देखिए, जो पिछले बार कहा था उसका एक कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, और प्रधानमंत्री जी ये हमेशा कहते हैं कि जब तक समाज के मार्जिनलाइज्ड लोग जो है वो किसी भी समाज के हो, उनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक देश की विकास यात्रा अधूरी होगी, और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास भी कर रहा है। विकास भदौरिया, एबीपी। सर, आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि धरती माँ की पुकार सुनना भी ज़रूरी है, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बोला, क्या कोई एग्जांपल दिया अपने भाषण के दौरान? जी देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिस समय हमारे यहाँ पर एक जेंडर डिस्पैरिटी तैयार हुई थी, उस समय हम लोग ये कहते थे
कि जो पेट में बच्चियां है उनकी पुकार सुनिए, उनको जन्म लेना है, उनको इस धरती पर कुछ करना है, वो जैसी पुकार हम लोगों ने सुनी, आज उसी प्रकार की एक पुकार धरती माता कर रही है कि मैंने आपको सब दिया, मैंने आपको पेड़ दिए, मैंने आपको अनाज दिया, लेकिन आज मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है ये व्यवहार एक प्रकार से विनाश की ओर ले जा रहा है, और ये धरती माता की जो पुकार है इसको हमको सुनना होगा। संतोष पाठक। देवेंद्र जी, आपने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ समाज के सारे तबकों के साथ रिश्ता कायम करना है, तो क्या कुछ खास तबकों का उन्होंने नाम भी लिया, जिक्र भी किया? नहीं, देखिए, समाज के सभी तबकों का अर्थ ये होता है कि सारे के सारे, उसमें पर्टिकुलर ये तबका या वो तबका नहीं, समाज के जितने पिछड़े हैं ये सभी को हम लोग किस प्रकार से मुख्य धारा में ला पाए, इसका प्रयास हमको करना है। द ट्रिब्यून से। देवेंद्र जी, आई एम आदिति टंडन फ्रॉम द ट्रिब्यून। आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट opposition's negative propaganda and campaign against the prime minister featured in the political resolution, did the prime minister comment on the opposition's role in amrit kal? Pradhanmantri ji ne keval itna hi kaha ki hum ye apeksha karte hain ki is yatra mein sabhi log apni apni bhumika nibhaye, aur unhone ye bhi kaha ki hum kabhi bhi opposition ko kamzor nahi samajhte, lekin भारतीय जनता पार्टी ने अब ये ताकत तैयार की है कि हम अपने भरोसे ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई तेजी से आगे ले जा सकते हैं। शिखा त्रिपाठी आज तक। देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप प्रधानमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि चुनाव में सिर्फ 400 दिन तकरीबन बाकी हैं, ऐसे में सभी समाज के तबकों तक जाएं, और क्या पसमानदा और बोरा मुसलमानों का भी जिक्र करते हुए स्पेसिफिक ये कहा गया कि वो आपको वोट करें या ना करें लेकिन उनका साथ और उन पर विश्वास जमाने की पूरी कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से की जानी चाहिए? देखिए, ये ज़रूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है, ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है सबका उल्लेख किया है। सुजीत ठाकुर भास्कर। देवेंद्र जी, आपने कहा कि 18 से 25 आयु वर्ग वाले जो हैं, प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने देखा नहीं पीछे जो भी अच्छी बुरी बातें जो भी रही हूँ, तो क्या वो जो निगेटिविटी था उसके बारे में बताएंगे कि हम कैसे अच्छे शासन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको भूलिए, क्या स्पेसिफिक क्या था वो चीज़? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से ये बात ऐसी है कि ये जो 18 से 25 के जो लोग हैं, इन्होंने पुराने सरकारों में जो कुशासन चला उसको उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए 2013-14 में उनकी उम्र 10 साल की 12 साल की रही होगी, तो सुशासन और कुशासन का अंतर क्या है? जब हम लोकतंत्र में काम करते हैं तो लोकतंत्र में सुशासन से किस प्रकार से प्रगति होती है, इसका एक कंपैरेटिव इस प्रकार का एनालिसिस करते हुए अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनका लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़ेगा और साथ साथ कुशासन और सुशासन का अंतर भी उनको समझेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसके समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किन बातों पर जोर दिया, वहां उपस्थित भाजपा नेताओं को, पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, और उन्होंने खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया सामाजिक काम करने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को बॉर्डर के इलाके, जो सीमा के इलाके हैं, वहां पर अपनी गतिविधियों को, अपने काम को, समाज सेवा के काम को, लोगों की सेवा के काम को बढ़ाना चाहिए। साथ ही आकांक्षी जिले जो हैं
उसका खास तौर पर जिक्र किया कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेताओं को अपनी गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 दिन हमारे पास इस कार्यकाल के बचे हैं और इसमें हमें लोगों की और ज्यादा सेवा करनी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें समाज के सभी वर्ग और खास तौर पर जो निचले पायदान पर खड़े लोग हैं, जो विकास जहां तक पहुंची है या कम पहुंची है, उन लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यकारिणी की बैठक में खास तौर पर दी है।